हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भारी कौन है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको बताना है भारी क्या चीज़ है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा लगाइए और मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको इन वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा लगाकर मिलान करना है। पहली वस्तु सेब, आपको वस्तु का चित्र है दिया गया है, इस चित्र का मिलान उसके वजन से करना है। तो सेब का मिलान करेंगे 200 ग्राम से। दूसरा गेंडा, गेंडे का मिलान करेंगे 1000 किलोग्राम से। तीसरा अनाज की बोरी का मिलान करेंगे 10 किलोग्राम से। चौथा 1 रुपये का सिक्का, इसका मिलान करेंगे 5 ग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सबसे भारी वस्तु पर गोला लगाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में कई वस्तुएं दी गई हैं, आपको छाट कर सही वस्तु जो कि सबसे भारी वस्तु है उस पर गोला लगाना है। क, फूल, तरबूज, प्याज, तो गोला लगाएंगे तरबूज पर। ख, मक्खी, बंदर, हाथी, तो गोला लगाएंगे हाथी पर। ग, स्कूल का बस्ता, पेंसिल, किताब, तो सबसे भारी क्या होगा, स्कूल का बस्ता, तो गोला लगाएंगे स्कूल का बस्ता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, कटोरी, चम्मच, कुकर, तो इनमें सबसे भारी क्या होगा, कुकर, तो गोला लगाएंगे कुकर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर लिखने हैं। पहला, सलमा मेट्रो स्टेशन पर लगी लिफ्ट के बाहर पड़ती है। यह लिफ्ट एक समय में 4 व्यक्तियों को ले जा सकती है, इसका क्या मतलब है, क्या यह व्यक्तियों के वजन से संबंधित है। तो बताइए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ यह व्यक्तियों के वजन से संबंधित है, लिफ्ट एक बार में 4 व्यक्तियों जितने वजन को ले जा सकती है। दूसरा, रामू की उम्र 3 साल है, जब उसकी माँ उसकी छोटी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाती है तो कुर्सी टूट जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुर्सी टूटने का कारण कुर्सी के तय वजन से अधिक वजन वाले व्यक्ति अर्थात उसकी माँ का कुर्सी पर बैठना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आप निम्नलिखित वजन को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे, किलोग्राम या ग्राम। तो आपको दी गई वस्तु को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करना है उसे यहाँ लिखना है। पहला, एक पेंसिल, तो इसे हम ग्राम का इकाई का प्रयोग करके मापेंगे। दूसरा, एक तरबूज, इसके लिए किलोग्राम। तीसरा, गेहूं की बोरी, किलोग्राम। चौथा, एक आम, तो यहाँ लिखेंगे ग्राम। पांचवा, एक चम्मच नमक, तो यहाँ लिखेंगे ग्राम। तो जो कम वस्तु होती है उसे ग्राम में, और जो अधिक वस्तु होती है या ज़्यादा भारी होती है उसे किलोग्राम में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपके अनुसार जंगल में सबसे भारी जानवर कौन सा है, उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि जंगल में सबसे भारी जानवर कौन सा है और आपको उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैंने हाथी का चित्र बनाया है, क्योंकि हाथी जंगल का सबसे भारी जानवर है। आप भी हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे। जीवन कौशल, दूरी मापने की इकाई का ज्ञान। दूरी दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच की लंबाई है। लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है और छोटी दूरी को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर और छोटी दूरी को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, दूरी मापने के लिए प्रयुक्त 2 इकाई लिखिए। तो यहाँ पर आपको दूरी मापने के लिए कोई भी 2
प्रयुक्त उपयोग किया जाने वाली इकाइयों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर और दूसरा मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, सही या गलत बताइए। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उनके आगे सही या कथन का निशान लगाना है। आपको बताना है कि कथन सही है या गलत। पहला, आपकी कक्षा और प्रधानाचार्य के कार्यालय के बीच की दूरी मीटर में है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे, सही। दूसरा, आपके घर और बगल के घर के बीच की दूरी किलोमीटर में है, यह कथन गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, आपके कमरे और आपके रसोई घर के बीच की दूरी मीटर में है, सही, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा। फराह ग्रे। तो फराह ग्रे ने क्या कहा था कि आप अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा। अर्थात आप अपना सपना स्वयं देखें और खुद उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करें, वरना कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा, आपके द्वारा अपने सपने पूरे करेगा। खाना पीना, घर पर तैयार किया हुआ कोई भी मीठा व्यंजन जैसे खीर, हलवा, सेवइयाँ इत्यादि। गतिविधि, रसोई में मसालों के डिब्बे पर मसाले के नाम की चिट चिपकाना। खेल, पोसंपा भाई पोसंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।